सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला चला रे चला हाँ चला रे चला स्वच्छ भारत अभियान चला। नमस्कार, स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं हरियाणा में, हरियाणा के फरीदाबाद में, जहां हर साल आयोजित किया जाता है सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला। आज 2017 के इस मेले में अगर हम आपको बताएं कि आपको लग रहा होगा कि हम इस कार्यक्रम के द्वारा आपको क्या बताना चाहते हैं, तो आपको बता दें स्वच्छ भारत मिशन दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। और यहाँ आने का मकसद यही है कि हम आपको दिखाएं कि लोगों ने अब ये मान लिया है कि स्वच्छता हो कर्म हमारा, स्वच्छता हो धर्म हमारा। पहली बार सभी लोगों का ये मानना है कि स्वच्छता यहाँ देखने को मिल रही है। हर कोई कूड़ेदान का प्रयोग कर रहा है, अगर कोई कुछ खा भी रहा है तो उसे अपने साथ रख रहा है, यानी कि कूड़ा यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। आसपास जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही सफाई है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर हम और बहुत सी चीज़ों की बात करें तो आज का युवा और यहाँ आने वाले लोगों की क्या राय है, आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि सूरज कुंड मेला इस बार क्या नया नाम रोशन कर रहा है और किस तरह से नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। परंपरा की मिठास और आधुनिकता की चमक को समेटे सूरज कुंड मेला दुनिया के सबसे बड़े हस्तशिल्प मेलों में से एक है। यहां भारतीय संस्कृति की बहुरंगी छटा देखने को मिली। अलग अलग राज्यों की लोक संस्कृति और वहां से जुड़ी कलाकृतियां। इस मेले में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है, बच्चे हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, हर कोई इस मेले को अपने स्तर से इंजॉय करने की कोशिश करता नजर आया। 31वां सूरजकुंड मेला कई मायनों में बेहद खास रहा। 20 से ज्यादा देशों के स्टॉल्स ने जहां इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, वहीं इंडियन स्टॉल्स ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की छवि पेश की। 15 दिन तक चले इस महोत्सव में ग्रामीण माहौल और ग्रामीण संस्कृति को नजदीक से देखने और समझने का अवसर मिला। पूरा परिसर आकर्षक स्वरूप में हर किसी का अनुपम ढंग से स्वागत करता नजर आया। इतने बड़े मेले में जिस चीज ने हम सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया वो था स्वच्छता की ओर किया गया प्रयास। आपने मेले तो खूब देखे होंगे और ये भी हो सकता है कि किसी आर्ट फेयर या हैंडीक्राफ्ट्स फेयर की यादें आज भी आपके जहन में ताजा होंगी, लेकिन क्या वहां सफाई को लेकर खास इंतजाम ने आपका ध्यान आकर्षित किया था? जनाब, साफ सफाई की अहमियत से लोगों को जागरूक करने के मामले में सूरजकुंड मेले ने बहुत हद तक इस बार अपनी अलग पहचान बनाई है। यहां जगह जगह कूड़ेदान रखे गए थे, जिससे कहीं भी यहां वहां बिखरी गंदगी नजर नहीं आ रही थी। बूढ़े भी कम कर रहे हैं, कचरा हम लोग कम उठा रहे हैं, समय बदल भी रहा है, अच्छा लग रहा है। वैसे कचरा भी कम उठा रहे हैं सब, अपना आप ही सोच बोच के अपने कचरेदान में गिर रहे हैं। ये कूड़ेदान लोगों को ये संदेश दे रहे थे कि हम चाहे घर में हों या फिर स्कूल कॉलेज या पार्क में, जब भी कचरा फेंके तो कूड़ेदान में ही डाले। कूड़ेदान की पहल के साथ साथ यहाँ के स्वच्छ माहौल ने हर किसी को प्रभावित किया। हम पहले भी दो बार आ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन पहले इतनी सफाई नहीं दिखती थी। मतलब हम स्टूडेंट्स भी आते थे, हम ही लोगों में से कुछ लोग होते हैं जो खा पी के गंदा फेंक देते हैं, लेकिन इस बार काफी सफाई देखने को मिल रही है। स्वच्छ भारत को एक्चुअली सपोर्ट किया जा रहा है। पहले से अच्छा है और काफी सफाई है पहले से ज्यादा, और बाकी पब्लिक पर है वो उसको मेंटेन करें, साफ सुथरा रखें। पिछले 5 सालों से आ रही हूँ, हर साल बच्चों को लेकर आती हूँ, स्कूल के बच्चे भी आते हैं, कोई कूड़ा कचरा नहीं होता, बहुत सफाई। इस बार तो विशेष रूप से हर नियमों का पालन किया जा रहा है, सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इवन जो छोटे बच्चे भी हमारे साथ आए हैं वो भी गंदगी नहीं फैला रहे हैं, मोदी जी के अभियान को सफल बना रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान के सहारे देश को संपूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने की कोशिश हर ओर हो रही है। यहाँ जितने भी स्टॉल्स लगे उन सभी ने
अपने अपने स्तर से स्वच्छता कायम रखने की पूरी कोशिश की। मेला घूमने के दौरान साफ माहौल देखकर हमारे मन में भी ये ख्याल आया कि जब अलग अलग जगहों के लोग कुछ दिनों के लिए एक स्थान पर इकट्ठा होकर आपसी समझ के साथ अच्छे ढंग से स्वच्छता कायम रख सकते हैं तो हम सब क्यों नहीं। हम सबको घर, मोहल्ले और समाज में साफ सफाई रखने के लिए इस मेले ने एक ढंग से प्रेरित करने का काम भी किया। स्वच्छ भारत अभियान जो मोदी जी ने चलाया है बहुत ही अच्छा है। इसकी वजह से कहीं भी लिटर नहीं है, कोई कचरा नहीं है, कोई गंदगी भी नहीं है और आप देख रहे हैं कि लोग कितने डिसिप्लिन में चल रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बहुत ही मोदी जी ने शांत तरीके के साथ इसको मेंटेन किया हुआ है और हरियाणा सरकार को हमें इस चीज़ के लिए बधाई देनी चाहिए ताकि ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स हर साल अच्छे होते रहें और हरियाणा स्टेट का नाम बहुत ही गौरव के साथ आगे बढ़ता रहे। यहाँ स्वच्छ भारत अभियान की सफलता हर स्तर पर नजर आई। मेरी मन में इच्छा थी कि मैं एक सूरजकुंड मेले का एक विजिट करूं ताकि देखूं। यहां करके मुझे बहुत अच्छा लगा, डिफरेंट स्टेट्स के और डिफरेंट कंट्रीज़ के यहां स्टॉल लगे हुए हैं और स्वच्छता भी यहां मेरे मुताबिक बिल्कुल ठीक है। टॉयलेट्स भी ठीक काम कर रहे हैं और सफाई कर्मचारी भी अपनी पूरी धन तन से सेवा कर रहे हैं और सफाई का ध्यान पूरा रखा हुआ है। अगर आप सोच रहे हैं कि इतने बड़े मेले में जहाँ इतनी तादाद में पर्यटक आते हैं वहां शौचालय के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए, तो इस मामले में भी इसका कोई सानी नहीं रहा। यहां जगह जगह पर मोबाइल टॉयलेट की पहल की गई। ये जो प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाया उसका असर यहां मेले में देखने में को मिला कि सब बिल्कुल साफ सुथरा है, किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है और लगता है कि पब्लिक और जो इंतजाम करने वाले हैं उनका पूरा एक दूसरे को सहयोग है जिसकी वजह से अच्छा देखने को मिला। This is my first visit to here Swachh Bharat and I find it very experienced and it's very good. All the people are cooperating and I love the way the people using the thing. I bought some goods and the place is very security. The security are cooperating. There's no anything like controversial, anything controversy. There's no problem. समय के साथ बीते वर्षों में इस मेले में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। स्वच्छता की दिशा में एक ऐसा ही सार्थक बदलाव है ई टॉयलेट की पहल। इस बार यहां ई टॉयलेट की सुविधा भी देखने को मिली और यहां पर सूरजकुंड मेले में ई टॉयलेट की सुविधा है जो हर बार नहीं होती है। तो अब हम जानते हैं यहां पर आए कुछ लोगों से कि उन्हें कैसा लग रहा है जब इस टॉयलेट का यूज भी हो रहा है और उनके लिए हाइजीन वाली बात भी है। जी बताएं। ई टॉयलेट की सुविधा बहुत ही अच्छी है, विशेष रूप से लेडीज के लिए। मैं यही हरियाणा रोहतक से हूँ और ये जो सुविधा है हमारी लड़की और महिलाओं के लिए तो विशेष रूप से बहुत ही अच्छी है। की बार ये ई टॉयलेट वाली सुविधा बहुत ही अच्छी लगी। पहले जो आते थे बहुत परेशानी होती थी लेकिन ये सुविधा अच्छी है खासकर लड़कियों के लिए। और अब एक नजर डालते हैं कि देश भर में क्या कुछ हो रहा है स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत वाशिम जिला परिषद के स्वच्छता विभाग ने अभिनव कार्यक्रम की शुरुआत की है। गुड मॉर्निंग नाम से स्कूली बच्चों को मिलाकर एक टीम बनाई गई है। बच्चों का कारवां हर सुबह उस जगह निकल पड़ता है जहां लोग खुले में शौच को अंजाम देते हैं। हमने बच्चों के गुड मॉर्निंग पथक तैयार किए है जिसमें बच्चे शामिल हो रहे है। सुबह बच्चे खुले में शौच जाने वाले लोगों को रोकते है, उनको शौचालय का महत्व समझाते है और उन्हें शौचालय बनाने के लिए बांधने के लिए प्रवृत्त करते हैं। हम बच्चे सुबह 5:30 बजे उठकर जहां लोग खुले में शौच करते हैं वहां जाते हैं और उनको बताते हैं कि ये सही नहीं है और साथ में तालियां बजाते हैं। जागरूकता के इस अभियान का नजारा कुछ ऐसा होता है, जैसे ही कोई शौच करते दिखता है तालियां बजनी शुरू हो जाती है। कुछ इसी अंदाज में युवाओं की टोली वाशिम के ग्रामीण इलाकों को ODF बनाने के प्रयास में जुटी हुई है। कामयाबी भी हाथ लगने लगी है। खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या में कमी आ रही है। महाराष्ट्र सरकार शौचालय बनाने के लिए अनुदान राशि भी प्रदान कर रही है, साथ ही साथ तमाम तरह के जागरूकता अभियान भी चला रही है। <S->
झारखंड का जमशेदपुर जिला। जिले में आजकल मोन्द्रिता चटर्जी के चर्चे आप खूब सुनेंगे। उम्र 11 साल, कक्षा छठी की छात्रा मोन्द्रिता चटर्जी। आप यकीन नहीं करेंगे कि एक 9 साल की बच्ची ने कैसे ठान लिया कि हमें वैसे स्कूल में शौचालय बनवाना है जहां शौचालय नहीं है। बहुत सारी गर्ल्स अपना स्कूल ड्रॉप आउट कर रही हैं क्योंकि उनके स्कूल में वॉशरूम्स नहीं हैं। तो इसके लिए मुझे कुछ करना था इस विषय में, सो मैंने अपना पॉकेट मनी सेव करना स्टार्ट किया। अमिताभ चटर्जी ने अपनी बेटी के सपने को हकीकत में बदलने की ठानी। शुरुआत शहर से सटे गांव केंद्रा डीह से हुई है। 350 आबादी वाले इस गांव में एक भी शौचालय नहीं था, अब घर घर बनकर तैयार है। इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ करके बच्चों को प्रेरित करने का काम किया है। और सबसे बड़ी मिसाल ये थी कि इन्होंने अपने गुल्लक के पैसे से लोगों की मदद की, उनके घरों में शौचालय बनाने की, वैसे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे थे। प्रधानमंत्री की बात मोन्द्रिता चटर्जी के मन में जम गई है। शौचालय निर्माण के लिए अपने गुल्लक में बचाए पैसे भी लगा दिए। झारखंड सरकार ने 10 दिसंबर 2016 को मोन्द्रिता को सम्मानित भी किया है और जिला प्रशासन ने उन्हें ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की स्वयंसेवी संस्था ग्रीन वैली क्लीन वैली ने स्वच्छ भारत अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस संस्था ने चंबा नगर के ऐतिहासिक गांधी द्वार के पास एक पार्क का निर्माण कराया। संस्थान ने पार्क में घूमने आने वाले लोगों के लिए स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाने के साथ साथ सफाई का विशेष ध्यान भी रखा। हमें लगा कि गांधी गेट के पास इतनी गंदगी क्यों ना इसको साफ किया जाए और यहाँ पे लोगों के बैठने का प्रबंध किया जाए, और हमने इसके साथ यहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह भी लगाए, प्लांट्स पॉट्स वगैरह लगाए हैं ताकि हम पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बना सकें। ये नज़ारा पहले ऐसा नहीं था। चारों ओर गंदगी फैली रहती थी, कूड़ेदान के बाहर कूड़ा बिखरा रहता था। आज तस्वीर एकदम बदल गई है। आज इस पार्क के स्वच्छ वातावरण का फायदा यहाँ के आम लोग भी उठा रहे हैं। केवल शुरुआत करने की देर है, कारवां खुद ही बनता जाता है। यह है कोडरमा की झुमरी पंचायत। 2012 में हुए सर्वे के मुताबिक 5000 की जनसंख्या वाले इस गांव के 600 घरों में शौचालय का निर्माण किया जाना था। गांव के तकरीबन 80% घरों में शौचालय निर्माण का ये कार्य पूरा हो चुका है और कई शौचालयों का निर्माण अभी जारी है। पाइप वाटर सप्लाई की स्कीम है वो प्रायोरिटी में दे रहे हैं, तो इस झुमरी पंचायत को लोग प्रायोरिटी में पाइप वाटर सप्लाई की स्कीम दे रहे हैं और इसके अलावा उनको एक प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी जो कि वो अपने कम्युनिटी डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। झुमरी पंचायत को ODF बनाने के लिए महिलाओं ने भी कमर कस ली। शौचालय निर्माण से न सिर्फ विकलांगों बल्कि बुजुर्ग लोगों को भी राहत मिल रही है। बरसात में जाते थे, भीग के आते थे, खादों मिट्टी से बचते थे, उससे अच्छा हो गया, ये मन गया था। कोडरमा को मार्च के अंतिम तक ODF करने का लक्ष्य रखा गया है। जिले के 68,000 शौचालयों का निर्माण किया जाना है। जन सहभागीदारी ने झुमरी को राज्य का पहला ऐसा पंचायत बना दिया है जहां सभी शौचालय का निर्माण लोग खुद कर रहे हैं। यहां कुछ ऐसे भी प्रयास देखने को मिले जो लंबे समय तक हमें याद रहेंगे। इन्हीं में से एक रहा प्लास्टिक के बोतलों को रिसाइकिल करने का ये यूनिट। आपको सिर्फ इसमें बोतल को रखना है, आराम से वो अपने आप देख सकते हैं वो अपने आप अंदर जा रही है और क्रश हो रही है, और आप जैसे ही इसमें बॉटल रखते हो आपको रिवॉर्ड के तौर पर यहाँ पे स्क्रीन पर दो ऑप्शन शो होंगे, एक होगा डोनेशन का और एक होगा कूपन का। आप अगर सोशल वर्क करना चाहते हो तो वो जो आपको बॉटल का परसेंटेज आपको वापस मिल रहा है वो आप डोनेट कर सकते हो, डोनेट पर क्लिक कर सकते हो, वो हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उनको चला जाएगा। और अगर आप कूपन पर सिलेक्ट करते हो तो जैसे जैसे हमारा आगे टाइप होता जाएगा, जैसे डोमिनोज हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, KFC या फिर पतंजलि, जिससे भी जिस भी ब्रांड से हमारा टाइप होगा उसका लोगो आपको यहाँ स्क्रीन पर शो होगा। फिर आप उस लोगो को सिलेक्ट कीजिए, आपको यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है एरिया यहाँ से एक कूपन वगैरह आएगा, वो कूपन कलेक्ट कीजिए और उस ब्रांड पे जाकर आप परचेजिंग जो भी करते हैं उस पर आपको
5-10% का ऑफ मिलेगा। एक तरीके से जो चीज़ आपके लिए बिल्कुल वेस्ट थी वो आपका यूज़ बन जाएगी। जो चीज़ आप गार्बेज समझकर डस्टबिन में डाल रहे थे वो डस्टबिन में ना डालकर आप इस मशीन में डालेंगे तो आपको 2 या 3 रुपए का बेनिफिट होगा। बहुत सालों बाद ये मेला देखने को मौका मिला। इस बार ये मशीन यहाँ लगी हुई है, इसको देख के बड़ी खुशी हो रही है। ये स्वच्छता अभियान का बहुत बड़ा मतलब प्रयत्न सरकार द्वारा किया जा रहा है और इस बार कूड़ा करकट भी बहुत कम देखने मिल रहा है। मोदी जी ने जो अभियान स्टार्ट किया हुआ है स्वच्छ भारत अभियान, ये जो कंपनियां भी उसको बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा रही हैं। मेला भी बहुत अच्छा है और सफाई का तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पर। मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह यहाँ इन्होंने डस्टबिन वगैरह रखे हुए हैं और काफ़ी लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको एक मुहिम चलाई जो लोगों ने अपनाई भी है और लोगों को अच्छी भी लगी और लोगों को उसमें सहयोग भी करना चाहिए। तो मेरा पूरा इसमें हार्दिक शुभकामनाएं हैं और अपने देशवासियों से ये अपील है कि वो इसमें पूरा सहयोग दें ताकि ये जो मुहिम है एक अच्छा काम है वो उसमें हमें सफलता मिले सबको और ये बहुत अच्छी बात है। पूरे परिसर में स्वच्छता के व्यापक इंतजाम देखने को मिले। खास बात ये रही कि सुरक्षा व्यवस्था में लगे अधिकारियों ने भी गंदगी मुक्त वातावरण बनाने में अपना पूरा सहयोग दिया। मेले में हर बार सुरक्षा ड्यूटी लगती है, मेले ड्यूटी, जो इस बार मेले के अंदर काफ़ी साफ सफाई है और जो मोदी जी का अभियान है वो काफ़ी हद तक कामयाब रहा है। इस बार बहुत ज़्यादा सफाई है और महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा सफाई का ध्यान रख रहे हैं। तो मेरी हर बार ड्यूटी लगती है तो इस बार मुझे काफ़ी फर्क दिखाई दिया है। युवाओं में भी जहां भारतीय संस्कृति के कई पक्षों को नजदीक से देखने का उत्साह नजर आया, वहीं वो स्वच्छ भारत अभियान से भी जुड़े नजर आए। यहां पे बहुत सारा क्राउड है, मतलब बहुत सारी भीड़ है, पर फिर भी हम लोग को बहुत ना अच्छी सफाई देखने को मिल रही है। सब कुछ बहुत अच्छा है यहां पे, क्लीन टॉयलेट्स भी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। इस बार एक्चुअल में मतलब स्वच्छता दिख रही है यहां पे एंड इस बार जैसे जगह जगह ई टॉयलेट्स भी हैं एंड जगह जगह डस्टबिन भी प्रोवाइड किए हैं एंड इवन बच्चे से लेके बड़े तक सब डस्टबिन ही यूज़ कर रहे हैं। कोई इधर उधर लिटर नहीं कर रहा है, कोई इधर उधर कचरा नहीं डाल रहा है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट 2 साल से बहुत अच्छा परिवर्तन आया है एंड इट्स वेरी गुड, अ गुड चेंज। ठोस कचरे की बात करें या फिर तरल कचरे की, कूड़े को अलग अलग करने के प्रति भी लोग जागरूक नजर आए। हमेशा देखती थी कि हर जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, मिक्स हो रहा है कूड़ा, लेकिन उसको सेग्रीगेट नहीं कर रहे और जाके कहीं ना कहीं किसी लैंडफिल में इकट्ठा हो रहा है। तो मुझे लगा कि क्यों ना इसको हम डिफरेंट सेग्रीगेट करके इसको कंज्यूम करना शुरू करें और जो हमारा गीला कूड़ा है उसकी हम खाद बनाएं और जो सूखा कूड़ा है उसको हमें रिसाइकलर को और रैग पिकर जो हमारे घर से कूड़ा लेने के लिए आते हैं उसको देना चाहिए ताकि उसकी भी इनकम जेनरेट हो और जितना गीला कूड़ा जो कि किसी भी एक रिसोर्स में कन्वर्ट हो सकता है उसको हम लोग अभी सब लोग ऐसे ही फेंक रहे हैं और गली गली नुक्कड़ पे कहीं लैंडफिल में वो पड़ा होता है, तो उसको हम अगर खाद में बदल लें तो तकरीबन हमारा 60% कूड़ा जो है वो हम अपने घर में ही ख़त्म कर देंगे। तो जो बाहर जाएगा वो या तो रिजेक्ट होगा या फिर रिसाइकलेबल होगा। रिजेक्ट अगर जाएगा तो इससे हमारी गवर्नमेंट को क्या हेल्प मिलेगी कि जितना भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन में जो हमारी गवर्नमेंट पे करती है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, घर घर में लोग खाद बनाएंगे, घर घर में लोग जैविक खेती कर सकते हैं, अपने किचन गार्डन्स को बना सकते हैं और जितने हम लोग इस वक्त फर्टिलाइज़र जो कि हम लोग यूरिया को इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम कम कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो मोदी जी ने सपना देखा है स्वच्छ भारत का वो तभी पूरा होगा जब हम सब लोग हर इंसान इसमें मिलकर भागीदारी देगा और अपना अपने पार्ट पे हम लोग जो भी कर सकते हैं वो हम करें। इसीलिए हमने ये कंटेनर्स बनाए हैं जिसके अंदर हम लोग घर के मामूली कूड़े को खाद बना सकते हैं और अपने घर से कूड़े को कम कर सकते हैं। इस बार का थीम स्टेट झारखंड था। यहाँ के कलाकारों ने अपनी पेशकश से लोगों का खूब मनोरंजन किया। Hey!
हम सब की तरह कलाकार भी देश को पूरी तरह गंदगी मुक्त बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। देखिए सूरजकुंड में जो साफ सफाई के मामले में जो स्वास्थ्य अभियान मोदी जी ने चलाया है वो बहुत अच्छा अभियान है, और इस अभियान को देखते हुए यहाँ की सफाई की व्यवस्था जो है बड़ी अच्छी है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, अब आज यहाँ पे डस्टबिन लगे हुए हैं और हर आदमी अपने कूड़े कचरे को जो है डस्टबिन में डालता है। मोदी जी का अभियान बड़ा अच्छा अभियान है जिसको लोग बाग देखने से भी बड़े संतुष्ट हैं। सूरजकुंड मेले में जितने भी हर साल तरक्की होती है, बढ़ चढ़ करके तरक्की होती है, यहाँ जितने भी जोन इसको लगाते हैं, 18 जोन इस मेले को लगाते हैं, कभी हिमाचल लगाता है, कभी हरियाणा लगाता है, कभी पंजाब लगाता है, कभी राजस्थान लगाता है, कभी उड़ीसा लगाता है, इस तरीके से मेला भी काफ़ी बढ़ा हुआ है और यहाँ की सफाई की व्यवस्था जो है बड़ी अच्छी व्यवस्था है। दुनिया भर के पर्यटकों के बीच इस आयोजन ने अपनी विशेष जगह बनाई है और वैश्विक स्तर पर भारत को एक मकाम भी दिलाया है। उम्मीद है कि स्वच्छता के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में भी ये मेला अपने प्रयासों से मील का पत्थर स्थापित करेगा। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने, ये वादा हर तरफ बखूबी निभाया जा रहा है। जब हम यहाँ आए हरियाणा के फरीदाबाद में और सूरजकुंड मेले में हमने विजिट किया तो एक बात तो सबने मानी कि इस बार स्वच्छता देखने को मिल रही है। हर किसी ने अपनी भागीदारी निभाई है, कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फेंका है, और हर किसी ने माना कि जब देश हमारा है तो इसे साफ रखना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और परामर्श हमें इस पते पर भेजें। हमारा पता है स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन, फेज 2, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है sbrddkdelhi.org.in। आप हमारे इस कार्यक्रम को एक बार फिर से यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। फिलहाल स्वच्छ भारत की पूरी टीम आपसे लेती है इजाजत इसी संदेश के साथ कि देश को रखेंगे हम साफ। नमस्कार। अपने गांव या अपने शहर लग तक चमके पहर पहर।